गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। सॉरी सर, आज हम फिर से कॉलेज जा रहे हैं हमेशा की तरह, और आज हम सभी एक साथ जा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद में ऐसा हो रहा कि हम तीनों रूममेट एक साथ कॉलेज जा रहे हैं। वरना कभी ये पहले निकल जाता जो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, जिसकी शक्ल बहुत घटिया है, कभी मैं पहले निकल जाता, कभी ये बाद में निकलता, ऐसा होता रहता। पर तो बराबर ही है ना, तू पहले निकले या हम बाद में निकले, पर आज हम सभी साथ में जा रहे हैं। और बढ़िया, कैसा लग रहा है कैमरे में आके? कैमरे में यार देख सकते नहीं, तुम्हारी पता नहीं है। और वो किधर है, पप्पू किधर है भाई? अचानक की गंदी हो गई तेरी, क्या हुआ? देख ब्लैक हो गई है। तो अबे सामने से साइड हो ना, जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। यार दोस्तों, आज मुझे बहुत कुछ काम करना है कॉलेज में। सबसे पहले तो मुझे लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, उसके बाद मुझे लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह भी लेनी है, क्योंकि आज हमारी ब्रांच के लिए बुक्स मिल रही है, हम कोई भी 4 बुक्स खरीद सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है, पर सबसे पहले तो मुझे अभी क्लास में जाना होगा। गुड मॉर्निंग। बेरोजगार आदमी है। गुड मॉर्निंग, ये हमारे गाइस, हमारे क्लासमेट। रुक यार, मेरी मैम आ गई होगी। चंचल मैम नहीं आई अभी तक? ठीक है भाई, सरकारी आदमी लेट होता रहता है। चंचल मैम लेट हो गई, तो चलो मैम तो नहीं आई, मैं मंदिर जाके आ जाता हूँ जब तक, क्योंकि मंदिर जाना अच्छी बात होती है, दिस इज अ गुड हैबिट। और भी आ चुके हैं जो कि अभी मेरे टीका लगा देंगे, उनसे मैं एक अच्छा सा टीका लगवा दूंगा। रुको रुको रुको, एक सेकेंड रुकना। तो हमारी मंदिर में पूजा पाठ हो गई, और ये देखो सर ने मेरा अच्छा सा टीका भी लगाया है। सर AI के टीचर है, और सर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में थे पर अभी AI में हो गए। और मेरी पूजा पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है, और अभी मुझे जल्दी से क्लास में जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैम आ चुके हैं। यार क्लास में कोई नहीं आया भाई, मैम को ज़्यादा ही लेट हो गई। देखो 9:07 होने वाला है और मैम अभी तक नहीं आए। क्लास सुनसान, बाहर बहुत भीड़ है पर अंदर कोई नहीं। चलो आज हम इसी बहाने जल्दी तो आ गए, लेट तो नहीं हुए। यार सर आया ही नहीं अभी, अभी हमारा टेस्ट होगा। आई एम सो मच एक्साइटेड, क्योंकि मैथ में टेस्ट है, मैथ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे मैथ में बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा तो हमारी आज की ब्रेक से पहले की सारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में फ्री में बुक्स मिल रही है अभी,
हम 6 बुक्स ले सकते हैं लाइब्रेरी में, पर अभी के लिए 4 ही मिल रही है। तो अभी मैं लाइब्रेरी जाऊंगा और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसके साथ हम लाइब्रेरी जाएंगे, और लाइब्रेरी में तो हम कैमरा ऑन रख ही सकते हैं। तो चलो अभी लाइब्रेरी चलते हैं। तो अभी मैं लाइब्रेरी आ चुका हूँ क्योंकि मुझे बुक्स लेनी थी, तो मैं अभी 4 बुक्स लूँगा। और पहले ये देखिए, ये है हमारी लाइब्रेरी का सीन। वह सामने वो बुक बैंक है, वहाँ से हम कोई भी 2 बुक्स ले सकते हैं। और अभी मैं जाऊँगा और यहाँ से 2, और ये इस साइड मेन काउंटर है जहाँ से हम कोई भी 4 बुक्स ले सकते हैं, पर आज सिर्फ 2 बुक्स ही मिल रही है। मतलब कि हम टोटल 6 बुक्स ले सकते हैं, पर आज के दिन हमको बस 4 बुक्स मिल रही है। तो दोस्तों, मैं अपनी बुक्स लेके आ गया, हमको 4 बुक मिली है अभी तक। 2 बुक बाकी है जो कि हमको कहा गया कि बाद में आके लेना। और ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है ईशबी की, हाँ। और ये स्टेशनरी शॉप, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, पर यहाँ पे महंगा मिलेगा, सस्ते के लिए आपको बाहर से ही लेना होगा। 2 hours later गाइस, फाइनली आज का दिन भी ख़त्म हुआ। पर आज का दिन यार क्या अच्छा दिन गया था। मतलब कि लाइब्रेरी के बाद में हमारी केमिस्ट्री की लैब क्लास थी, जिसके अंदर वो फिर से हमेशा कहते था कि हम वीडियो बना नहीं सकते थे, पर मैंने कुछ एक वीडियो फ़ोटोज़ क्लिक की थी जिसके सैंपल मैं आपको बता दूंगा। पर आज मुझे दो, मतलब एक तो वो पहले भैरव मंदिर गया था ना, तब एक सर मिले थे जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर उन्होंने भी मुझे कहा कि ना, जब भी तुम गोटन जाए ना, तो वो क्या कहते हैं, सफ़ेद आंकड़ा होता है ना, उसका पौधा मंगाइए। और लेब वाले सर ने तो आज मुझे बहुत अच्छा, वो क्या कहते हैं, ज्ञान की बात कही थी, क्योंकि मैं चाबी हाथ में लटकाता था ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से वो सामने वाले के सामने नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होता है उसके माइंड में, तो उससे ओवरकम करने के लिए ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने भी मुझे कहा कि अगर तुम जब भी गोटन जाए ना, तो गेंदे के फूल लेके आना, क्योंकि उनको भी गेंदे के फूल उगाने का शौक है। तो इस बार जब भी गोटन जाऊंगा तो उनके लिए ये सब लाना होगा, और ये बात मुझे याद भी रखनी होगी, क्योंकि सर ने कहा कि तुझे भूलने की आदत है तो तुझे याद रखनी होगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या मैं याद रख पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे एक बार याद भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि क्या पता मैं भूल जाऊँ। तो यार आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में, अगले दिन के व्लॉग में। तो चलो बाय बाय। और वैसे हाँ, कल छुट्टी है, तो कल फिर से वो स्टडी व्लॉग टाइप कुछ होगा, क्योंकि कल वो ईद वगैरह कुछ है, तो हमारी छुट्टी होगी कॉलेज की। तो बाय बाय।